कैथल के लघु सचिवालय में आज भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति के बैनर तले भूतपूर्व सैनिकों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। सैनिकों ने वन रैंक वन पेंशन के मामले पर सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए। वहीं उन्होंने कहा कि 15 सितंबर 2013 को रेवाड़ी हरियाणा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन रैंक वन पेंशन देने का वादा किया था कि हर 5 साल के बाद उनकी पेंशन रिवाइज की जाएगी, लेकिन अभी तक 8 साल होने पर भी ये कार्य नहीं किया गया। इससे भारतवर्ष के पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं में रोष देखने को मिल रहा है। वहीं उन्होंने सरकार से जल्द पेंशन रिवाइज करने की मांग भी की है। सचिवालय में प्रदर्शन इसलिए है कि हम जो पूर्व सैनिक हैं और हमारी सैनिकों की वीरांगनाएं हैं, इनके अंदर बहुत भारी रोष है। और साथ में हमारे जो नवयुवक हैं, जो भर्ती होने वाले हैं, उनके अंदर भी बहुत रोष है, क्योंकि इनकी 2-3 साल से भर्ती नहीं हुई, ये एवरेज हो चुके हैं। तो इस कारण आगे सेना का भी अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। इस टाइम पर सेना के अंदर कम से कम 1.5-1.5 लाख की नफरी कम हो चुकी है, और आगे जो सरकार ने प्रोग्राम बना रही है उसके अंदर ये कहती है अभी 3 साल सर्विस करेंगे, उसके बाद में क्या है इनको कॉरपोरेट को दे देंगे। तो इस प्रकार से हमारी सेना का काम नहीं चलेगा। ये जो विदेशों की चाल पर चल रहे हैं, वो चाल चलने में हमारे देश के अंदर बहुत समय लगेगा, तो इसलिए हमारे अंदर रोष है। दूसरा, जिस समय पर सितंबर 2013 के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिवाड़ी के अंदर रैली करके हमारी ORP के बारे में सबसे पहले रखा था कि मैं आते ही पहली कलम से करूँगा, तो उसके वो भी हमारी अभी तक पूरी नहीं की। लेकिन एक मांग उन्होंने खुद माननी थी कि भाई 5 साल के बाद में हम आपकी पेंशन को रिवाइज करते रहेंगे। आज मोदी जी को मने हुए 8 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारी पेंशन रिवाइज नहीं हुई। तो ये भी हमारे अंदर एक रोष है। जो हमारी विडोज हैं, इनके अंदर भी इसका रोष है। ये भी हर रोज़ यही कहती हैं कि अभी तक पेंशन का क्या हुआ, पेंशन का क्या हुआ, लेकिन ऊपर से अभी तक इसके बारे में कुछ वो नहीं किया गया। मजबूरन हमारी जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन चले हुए हैं, वहाँ से हम सैनिकों को सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मतलब हमारे को इसके बारे में आदेश हुए हैं, लेकिन उन आदेशों के बाद में भी अभी तक हमारी पेंशन रिवाइज का कोई भी मकसद हल नहीं हुआ। तो हमारे युवा आज बेरोजगार हैं, उनको 2 साल हो गए भर्ती नहीं हो रही है, वो रोजगार ओवरेज हो गए हैं। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि जल्दी से जल्दी उनकी 2 साल बढ़ा के उनको जल्दी जल्दी भर्ती खोल कर भर्ती किया जाए। दूसरा, हमारा जो फनल अलाउंस जो एक सर्विसमैन को एक्सपायर होने के बाद मिलता था, वो 10 फरवरी को लेटर जारी करके उसको बंद कर दिया, वो भी हमारे साथ बहुत गलत है। इसके अलावा जो 14 जुलाई 2021 को गवर्नमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने जो भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण के साथ जो खिलवाड़ करी है, वो एक सैनिकों के लिए नहीं बल्कि सरकार के लिए शर्म की बात है कि सैनिक तो शर्म नहीं करता है, सैनिक तो अपने देश की रक्षा करता है, लेकिन हरियाणा सरकार को शर्म आनी चाहिए जो हमारे आरक्षण के साथ हल काटा है। क्योंकि एक विडो का अगर सैनिक शहीद हो जाता है तो उसको नौकरी लगा के उसके बच्चे को उसका कोई फायदा नहीं मिलता है, और कोई भी सैनिक अगर पेंशन आता है वो डी ग्रेड की नौकरी में लग गया, अपग्रेड के लिए उसके चांस हरियाणा गवर्नमेंट ने 14 जुलाई 2021 के लेटर के अनुसार बंद कर दिए हैं। गौर हो कि आज लघु सचिवालय में पहुंचे भूतपूर्व सैनिकों ने जहां प्रदर्शन कर सरकार से उनकी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की, वहीं युवाओं को भी रोजगार देने की मांग की गई। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आज के प्रदर्शन के बाद सरकार उनकी मांगों को कब तक पूरा करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।